ये लैपटॉप है इन्फिनिक्स का इनबुक X1 नियो। जब आप इसे पहली बार ख़रीदेंगे तो आपका लैपटॉप चालू नहीं होगा, तो इसलिए आपको केबल लगा के पहले तो फिर पावर बटन को प्रेस करिए, तब तो आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद आगे सेटअप कैसे करना है पूरा वीडियो देखिए। ये है इन्फिनिक्स का X1 नियो, इन्फिनिक्स का इनबुक X1 नियो। और इसको जैसे कि आप अगर नया लेते हैं तो इसको सेटअप करने के लिए नॉर्मली ये पहले तो आपको पावर प्लग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका डिवाइस जो है आपका लैपटॉप बूट होगा। तो खैर मैंने केबल को लगाया और आप पावर ब्रिक को देख लीजिएगा ठीक से कि वो एडेप्टर सही से लगा हुआ है या नहीं, तो वो मैंने लगा लिया अच्छे से। और फिर नॉर्मली यहाँ पे सेटअप करने के लिए लगता है विंडोज़ 11 इंस्टॉल्ड है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स दिखा दूँ, ये देखिए इन्फिनिक्स इनबुक X1 न्यू, ये 256 GB वाला है और बेसिक्स है ये। तो इसको सेटअप करने के लिए नॉर्मली ये लैंग्वेज अपना सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये मैंने यूनाइटेड अपना लैंग्वेज डाल दीजिए, ये लैंग्वेज में चलेगा, USA वाला भी चलेगा। तो ये मैंने डाल दिया इसी को, यस कर दीजिए। और ये करने के बाद फिर रीजन आया, तो रीजन जो है अपना इंडिया आपको मिल जाएगा, इंडियन ही डाल दीजिए रीजन में। नॉर्मली थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, आई 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 ओ थोड़ा फास्ट में लग जाना पड़ेगा। ओके ये मैंने रीजन इंडिया डाल दिया और यस यस कर देना है। फिर आएगा ये लैंग्वेज इनपुट में, कीबोर्ड का लेआउट इनपुट में, तो इसको इंडियन ही डालना है, यस। एंटर सेकंड कीबोर्ड लेआउट, इसको स्किप कर दीजिए। ये बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर ये क्यूबर्टी वगैरह कुछ हो जाता है चेंजेस, इसको बाद में बदल सकते हैं। अच्छा ये वाईफाई कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, लेट्स कनेक्ट टू नेटवर्क। अच्छा कोई वाईफाई का हॉटस्पॉट देना पड़ेगा, ये वाईफाई आया, वाईफाई अपना डाल दीजिए, कनेक्ट। ओ ये कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट यहां से हम कर सकते हैं, कोर्टाना सेटअप वगैरह आएगा तो खैर वो करने की जरूरत नहीं है, हम स्किप कर देंगे फटाफट। ये कुछ अपडेट्स चेक कर रहा है, अगर आपके लैपटॉप में स्किप दिखता है अगर इस साइड तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा आपको भी वेट करना पड़ जाएगा जैसे मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेटअप ये आ जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे वेट करना है। और इसमें पावर ज़रूर लगा के रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बैटरी चार्ज का होना बहुत ज़रूरी है खास करके ये फर्स्ट सेटअप में। तो लगभग बूट होने वाला है। तो दोस्तों जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे स्टेप की ओर बढ़ते रहिए। तो फटाफट वेलकम आ गया, तो अब सेटअप लगभग हो ही गया, अब डायरेक्ट हम होम स्क्रीन पर चले जाएंगे। ओ प्लीज़ रिव्यू लाइसेंस, तो ये आया, इसको एक्सेप्ट यहाँ पर कर लेना है, एक्सेप्ट हमने कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आएगा ऐड करने के लिए, खैर इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट कर दीजिए। अरे यार ओ यहाँ पे बैक होकर के देखेंगे शायद ये स्किप करने के लिए भी आएगा। ये बोल रहा है ऐड ही करने के लिए, नहीं तो मोबाइल नंबर डाल के आप अपना एक बना भी सकते हो, क्योंकि मुझे स्किप का नहीं मिल रहा है, ऐसा तो और लैपटॉप में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मांग रहा है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो यहाँ पे डाल देते हैं नया बना के। तो यहाँ पे नॉर्मली अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और पासवर्ड आपको सेट कर लेना है। तो पहले हम क्रिएट वन करेंगे,
क्रिएट पे करना है क्लिक। ऐसे आएगा तो यहाँ पे खैर आप यूज फोन नंबर इंस्टेड आपको कर देना है, नहीं तो ईमेल है तो ईमेल भी, लेकिन आपके इजी करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप बस मोबाइल नंबर नॉर्मली डाल के आप फटाक से कर लो। यहाँ पे लैंग्वेज अपना डाल देना है इंडिया वाला, हाँ बस इंडिया +91 ये हमने डाल दिया। मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए, आपको आएगा क्रिएट पासवर्ड के लिए नंबर डाल के नेक्स्ट करेंगे तो फिर से हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कर ओ पासवर्ड में शायद कुछ आपको नंबर भी डालने के लिए बोलेगा तो आपको नंबर डालना पड़ेगा, जैसे कि मेरा नहीं ले रहा है। यहाँ पे आप OTP डालोगे, नाम वगैरह डाल के आगे बढ़ोगे, फिर यहाँ पर ना आपको एड्रेस डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, उसके बाद आपको आपके नंबर पे OTP जाएगा, ये OTP यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे आगे जब बढ़ोगे नेक्स्ट करोगे तो आपको कोड डालने के बाद ये पिन मांगेगा, 4 अंक का कोई भी पिन आप सेट कर दीजिए। ऐसे दूसरे लैपटॉप में इतना नहीं करना पड़ता लेकिन आजकल अब मांग रहा है, ये सब तो देना ही पड़ेगा ना। पिन डालने के बाद आगे स्टेप में हम बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करिए परमिशन, ये जो थोड़ा ले रहा है कि मतलब एक्सेप्ट कर लो रूल रेगुलेशंस वगैरह, तो हम वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा, ये सब टिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस ऐसा कुछ बोल रहा है, स्किप करके, स्किप था यहाँ पे लिखा हुआ, उसको मैंने डन कर दिया। आगे बढ़िए, अब ये लगभग हमारा सेटअप हो गया, तो ये गेटिंग रेडी हो रहा है सेटअप करने में, अच्छा 5-6 मिनट 10 मिनट लगभग लग गए, मैंने वीडियो थोड़ा कट करके आगे बढ़ाया तो थोड़ा सा बस अब समय की बात है, लगभग हम डेस्कटॉप पे पहुंच चुके हैं। ये डायरेक्ट बूटअप होके हमारे होम स्क्रीन पे आ गया, ये देखिए डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे ओके तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करते हैं, थोड़ा कुछ चलाते हैं यूट्यूब में, इसको आप स्टार्ट साइन इन भी कर सकते हैं और स्टार्ट विदाउट योर साइनिंग, तो हम विदाउट डाटा करते हैं कंफर्म। अब यहाँ पे लिखते हैं यूट्यूब थोड़ा कुछ चला के देख लेते हैं, हमारा नॉर्मली सब सेटअप हो चुका है, थोड़ा वीडियो चला लेते हैं। तो ये लगभग रेडी हो चुका है, तो इस तरह से आप अपने किसी भी नए लैपटॉप को सेटअप कर सकते हैं।